देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया का हर मुसलमान हर मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला हमारा भाई है, चाहे वो दुनिया किसी भी कोना में हो। और आपको पाकिस्तान का बात बोले, एक होता है कौमी लड़ाई होता है और एक होता है देश का लड़ाई होता है। देश का बात आएगा तो पाकिस्तान का सामने मुसलमान सीना में गोली खाएगा, ये बात याद रखना। पाकिस्तान का नाम लेकर हमें डराइएगा, पाकिस्तान का नाम लेकर हमें नीचे कीजिएगा, नहीं हो सकता। पत्रकार महादेव पाकिस्तान बोलिए ना इतना गोबर भक्त वन भक्त हिम्मत है तो चाइना का जाकर खड़ा हो जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता है, चाइना 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुस कर बैठा है, आप उसको कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान पाकिस्तान बात कर रहे। देखिए फिर से सद्दाम हुसैन के जैसे लोगों का जरूरत है, फिर से सद्दाम हुसैन जैसा लीडर हमें चाहिए। बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाला, जिस तरह से आप जान रहे मजलूम के ऊपर इसराइल हमला किया था, उस वक्त सद्दाम हुसैन मर्द मुजाहिद था, उसको किस तरह से सियासत करके अमेरिका ने वो किस तरह से उनको मारा गया। लास्ट से नहीं 1948 से आवाज को दबाई रहा है और उसको आवाज दबाने में पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है, मीडिया उनके ही कंट्रोल में है पूरी दुनिया की, तो आवाज को दबाया जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इसराइल बल्कि पूरी ये प्री प्लानिंग अंदाज में वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार फलस्तीन के समर्थन में पश्चिम बंगाल के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और आज यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई है जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। सलमान का प्रोग्राम है, उम्मत का बात है, यहाँ पे भाईचारा की बात है, इस्लाम की बात है, कौम की बात है, यहाँ पे कोई नेता नगरी या कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई बात नहीं है। सब आपस में हम लोग जितना मुसलमान हिंदू जितना भी जो इंसान है जिसके अंदर इंसानियत बची हुई है, जो जरा भर भी अगर उसका घर में जब चोट लगता है एक्सीडेंट होता है हाथ कटता है तो वो चिल्लाता है, तो चार महीना बच्चा जब तड़प रहा है जब वो कांप रहा है जब उसके ऊपर बमबारी हो रहा है तो वो दर्द क्या होता है। जब अगर आजकल लोग ये कह रहे हैं कि वो जब वीडियो देखते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दिल दहल जाता है, आंख से आंसू आ जाता है, तो आज वो लोग ये एहसास कर रहे हैं वहां हो रहा है और वीडियो देखकर अगर हमारा ये हाल है तो उनके साथ क्या होता होगा, उनके साथ क्या होता। आज मैं मीडिया के माध्यम के थ्रू मैं कहना चाहता हूं हर वो लोगों को जो आज घर में खामोश बैठे हैं, आज हमारे मुसलमान भाई मुसलमान बहनें दुर्गा पूजा में मेला घूम रहे, शाम को डिस्को में चले जा रहे, कैफे चला जा रहे, वर्ल्ड कप का मजा ले रहे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्या मेरे भाई तुम्हें तकलीफ नहीं होती है? तुम्हारे भाई के साथ ऐसा होता, तुम्हारे बहन के साथ ऐसा होता, तुम्हारे खुद के औलाद के साथ ऐसा होता तो तुम लड़ लेते, तुम दो दिन चार दिन खाना नहीं खाते, तुम्हारे अब्बे जब इंतकाल हो जाता है 10 दिन तुम रोते हो, आज तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही है? मस्जिदुल अक्सा में बम मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो आज एक दिन की बात नहीं है, ये बात 70 साल से तुमने उसका जगह ले लिया, उसके बाद तुम पिछले 8 साल में तुम कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दो, कहा गया तुम्हारे अंदर जमीर नहीं है, तुम मर गया कल तुम हशर के मैदान में अल्लाह ताला के सामने क्या मुंह दिखाओगे? हमारे वही नबी है ना जो ये रब्बी हब्बली उम्मती कहते कहते इस दुनिया से जाहिरी तौर पर गुजर गए। देखिए एक बात याद रखिएगा, इस्लाम और मुसलमान को मिटाने के लिए आज नहीं ये सदियों से चले आ रहा है, और इस्लाम और मुसलमान को मिटाते मिटाते फिरौन मीडिया अरुण मीडिया यजीद मीडिया, ना इस्लाम मिटा था ना इस्लाम मिटेगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। आज जो यहूदी सोच रहे हैं, ये जो इसराइल सोच रहा है कि फलस्तीन को खत्म करेंगे मस्जिदुल अक्सा को छीनेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का माँ ने इस दुनिया में अपना माँ का लाल पैदा नहीं किया कि हमसे मस्जिदुल अक्सा छीन ले और हमसे मुसलमान को खत्म कर दे। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोचते, तुम्हारे पास परमाणु बम है, तुम्हारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और फिलिस्तीन गाजा बेचारा मजलूम है। एक बात याद रखना, जिसके साथ अल्लाह होता है ना उसके सामने कोई बम नहीं चलता है। याद रखना एक बात मेरे भाई, तुम जो इजरायली से कहना चाहते हो कि जुल्म करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन जब मेरा गैब का ताकत आएगा, जब मेरा अल्लाह का ताकत आएगा, तुमको मैप से मिटा देंगे, तब तुम कहीं का नहीं रहोगे। तुम आज फड़फड़ा रहे हो तो यहाँ का मुसलमान क्यों खड़े है? मतलब अरे दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, जब पाकिस्तान में हिंदू के ऊपर जुल्म होता है तो यहाँ का अंधभक्त लोग निकल जाते चूहा का बिल से, हिंदू को मारो हिंदू को मारो, तुम क्यों भार आते हो? अगर आप ये सवाल हमसे पूछ रहे, ये सवाल मोदी जी से पूछिए कि मोदी जी को 48 टन एड क्यों भेजने पड़ा, आज पूरा दुनिया क्यों सड़क में है, तो ये जो सवाल ही है ये सवाल ही बेतुकी सवाल है। अरे भाई पूरा दुनिया सड़क में है, पूरा दुनिया प्रोटेस्ट कर रहे है, पूरा दुनिया 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 सड़क में प्रोटेस्ट कर रहा है, और हमारा रिश्ता क्या है? अगर किसी के ऊपर भी जुल्म होगा तो ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। और मैं हर मुसलमान हर आवाम सबसे कहना चाहता हूँ, कहीं भी इस तरीके से प्रोटेस्ट हो आप लोग शामिल होइए और शामिल होकर इस प्रोटेस्ट को मजबूत कीजिए। प्रोटेस्ट का पावर बहुत होता है, जब जमीन में उतरेगा ना, जब सत्ता 40-40 सत्ता जब हिल सकता है तो ये सरकारें क्या है। ये जो बात आपने कहा ना, नहीं पता आप भी नेगेटिव इंसान हो, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको आके बोलेंगे ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए, ऐसा करना नहीं चाहिए था,
ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम तो नापुंसक हो गए हो, तुम मुसलमान का नाम में बोझ बन चुके हो। तुम्हारा हिंदुस्तान में जब जुल्म होता है आवाज नहीं उठाते हो। अब जो बेचारे आवाज उठा रहे, जो अपना कोशिश कर रहे, जिसके अंदर थोड़ा सा जमीन बचा है, जिसके अंदर थोड़ा सा इंसानियत बचा है, जब वो लोग जब सड़क में उतर रहे तुम उसको तनकीद कर रहे हो। तुम बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, टर्की में मैकडोनल्ड बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है इसराइल का बॉयकॉट किया। आपको पता है क्या असर हुआ, कितना बिलियन डॉलर को लोगों का नुकसान हो गया। तब आप बताइए ना, मैं मान सकता हूँ कि 20 प्रोडक्ट है, 20 में से 5 ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप हो सकते हैं मजबूर है, आप हो सकते हैं मजबूर है, नहीं बॉयकॉट नहीं बंद कर सकते, लेकिन 5 तो प्रोडक्ट बॉयकॉट कर सकते हैं ना भाई। अब 5 प्रोडक्ट में सोचिए, हिंदुस्तान में 40 करोड़ आबादी मुसलमान है, अगर कोई प्रोडक्ट बॉयकॉट कर दो आपको पता कितना नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूँ मैगी, आप अगर मैगी नहीं खाते तो क्या मर जाइएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसे कई प्रोडक्ट है जो आप बिना बॉयकॉट करके आप जी सकते हैं। लेकिन देखिए, आप कोका कोला पीकर अपना पेट ठंडा कर रहे, अपना दिल ठंडा कर रहे, और आपको शर्म आना चाहिए। वही कोका कोला का पैसा से बम खरीदा जा रहा है, वही कोका कोला का पैसा से बम परमाणु रॉकेट खरीद कर तुम्हारा मुसलमान भाइयों को बच्चों को मार रखा। देखिए, फिर से सद्दाम हुसैन के जैसे लोगों का जरूरत है, फिर से सद्दाम हुसैन जैसा लीडर हमें चाहिए बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाला। जिस तरह से आप जान रहे मजलूम के ऊपर इसराइल हमला किया था, उस वक्त सद्दाम हुसैन मर्दे मुजाहिद था, उसको किस तरह से सियासत करके अमेरिका ने वो किस तरह से उनको मारा गया। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ, 57 कंट्रियां हैं, फिर भी मुसलमान मुंतशिर बना बैठा हुआ है। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम रास्ते पे तो आइए, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम बायकॉट तो कीजिए इजरायली प्रोडक्ट का, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम दुआ तो कीजिए उन मजलूमों के साथ। जिस तरह से बच्चों का दिल को बम गिर रहा है बिल्डिंग के ऊपर में, मासूम बच्चों 2000 से ऊपर लाशा हो चुका है, 5000 से ऊपर जान जा चुका है। जिस तरह से कंटिन्यू 30-40% को नष्ट नाबूद किया है इसराइल यहूदी ने, और जिस तरह से हमास को कहा जा रहा है कि आप आतंकवादी है, मैं तो कहता हूँ इसराइल से बड़ा कोई आतंकवादी पूरे दुनिया में नहीं है। तो अमेरिका जिस तरह से आतंकवाद का साथ दे रहा है इसराइल का, मतलब ये इस्लामे आलमीन का लड़ाई है, ये पूरे दुनिया में मुसलमान को मिटाने का लड़ाई है, उसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।